क्या आप भी चाहते हो कि आपका गाना ऐसा सुनाई दे? तो वीडियो में बने रहिए, आज हम लोग सीखने वाले कि किस तरीके से आप ऐसा गाना बना सकते हो। सो स्वागत है गाइज मेरे YouTube चैनल में एनीबडी कैन मिक्स में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप बॉलीवुड सॉन्ग किस तरीके से तैयार कर सकते हो अपने फोन में। क्या आप परेशान हो चुके हैं अपने म्यूजिक करियर से और आप सोच रहे हो कि अब तक मेरा गाना वायरल क्यों नहीं हो रहा है? तो मे बी आज आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए और आपका भी गाना वायरल हो सकता है इस ट्यूटोरियल, इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको सच में म्यूजिक से प्यार है तो गलती से भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रोसेस, वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो इतना बारीकी से कोई नहीं बताएगा। तो एकदम ध्यान से समझेंगे, एकदम सब्र रख के समझेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मेरा बैंडलैब का स्क्रीन दिख रहा होगा, सबसे पहले आप प्लस में चले जाइए और यहाँ पे कोई भी VST इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए। आज जो बातें हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ वायरल कराने के लिए, कि अच्छा म्यूज़िक बना के वायरल कैसे किया जाए। अगर आपका ट्रैक वायरल नहीं हो रहा है, बहुत दिन से आप लगे हुए हो लेकिन फिर भी आपका ट्रैक नहीं वायरल हो रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, आज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्पो डिसाइड कर लेते हैं गाने का। तो मान लीजिए मैं टेम्पो रख लेता हूँ गाने का 90, और आज वाला जो ट्रिक है ना वो बहुत आसान है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर आज किसी ने म्यूज़िक ज्वाइन किया है ना तो वो भी कर सकता है, इतना ईजी है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैंडलैम्प के साइड में आप देखोगे यहाँ एक म्यूज़िक का बटन है, ये देखो साइड में यहाँ नीचे है ना, तो आप इसे क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको, मैंने डांस म्यूज़िक बनाने का, हिप हॉप बनाने का, रैप बनाने का, लोफाई बनाने का, आप यहाँ सर्च कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल जो बनाऊँगा वो मैं बनाऊँगा बॉलीवुड म्यूज़िक में बनाऊँगा, ओके। तो बॉलीवुड के आपको यहाँ बहुत सारे सैम्पल्स दिखेंगे, सभी बॉलीवुड के सैम्पल्स हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट बॉलीवुड में यूज़ करते हैं, वैसे वैसे सैम्पल्स। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। और भाई घबराओ मत, कॉपीराइट नहीं आएगा, इसका टेंशन मत लो। अगर आता है तो डायरेक्ट आप मेरे को बोलना, मैं हटवाऊंगा आपका कॉपीराइट। बाय द वे कॉपीराइट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये फ्री सैंपल्स है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको क्लिक करते हैं, सब बॉलीवुड्स के, मैं ये थर्ड वाला क्लिक करूँगा और इसमें से मैं कोई भी सबसे पहले मेलोडी उठा लूँगा प्यारा सा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कौन सा उठाया जा सकता है। ये देखो यहाँ पे ना स्केल्स दिया हुआ है, C माइनर, C शार्प माइनर, किसी भी स्केल में आप इसको उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ D माइनर में, ठीक है। तो इसको हम लोग चूज़ करते हैं तीनों में से कोई भी एक, ओके इसको सुनते हैं। ओके हम लोग इसको ले लेते हैं। तो इसको लेने का तरीका क्या है, ये प्लस पे आप बस क्लिक कर देंगे, बस यहाँ पे ये आ गया। आप टेंशन फ्री रहो, आपका इतना म्यूज़िक तैयार हो गया। ओके तो भाई अगर ऐसा मेलोडी होगा तो जाहिर सी बात है गाना तो हिट करेगा ही, बट यहाँ पे अपना प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इस पर बीट्स ऐड करना है, बेस ऐड करना है। तो कैसे करना है देखो, म्यूज़िक के साइन पे वापस जाओ जहाँ पे थे हम लोग पहले, और लेट्स सी यहाँ हम लोग कोई बीट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स सुनते पहले। इसको भी लेके देखते हैं प्लस, लेट्स सी मे बी आपको ये क्लियर सुनाई नहीं दे रहा हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले का वॉल्यूम को कम कर देता हूँ। और वीडियो स्किप गलती से नहीं करना, क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैं बार बार नहीं लाऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही कारीगर साबित हुआ ये वायरल कराने के लिए गाना को, ठीक है। देखो कितना मस्त वाइब आ रहा है बॉलीवुड वाला। बहुत सुंदर, एक्सेस सुंदर है ये, ठीक है। और एक बात और, यहाँ तक आप लोग देख लिए, आप लोग तो समझ गए होंगे, सीधे यहाँ पे सेलेक्ट करो साउंड को और डायरेक्ट डाल दो। हाँ आई नो आप समझ चुके हो, बहुत इजी मेथड है, बट प्लीज़ अभी स्किप मत करो, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें छुपी हुई है, तो अगर आप स्किप करोगे नहीं समझ पाओगे। बाद में तो आपको करना ही है प्रैक्टिस, बट अभी पहले देख लो, ओके। अब हम लोग बेस की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स सी यहाँ पे बेस है कि नहीं है, इसे कट करते हैं एंड लेट्स सी बेस, वेयर इज़ द बेस। ओके मैं सर्च कर लेता हूँ कोई भी बेस को, बेस लेट्स सी एनालॉग बेस, फंक बेस, फ्यूचर बेस,
ड्रम बेस, इसको देखते हैं, लेट्स सी, बेस बेस सुनते एक बार। नहीं बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है ये। कोई बात नहीं, हम लोग बॉलीवुड सैंपल में ही देख लेंगे, बेस बॉलीवुड लिख के देखते हैं, अगर आ जाता है तो लेट्स सी, आ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बॉलीवुड लगा के देखते हैं एक बार, तो फ्यूचर ही बेस आ रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके बेस में जाते हैं। ओके ये ड्रम्स है, बेस ये रहा। हाँ ये चलेगा, इसको ले लेते हैं हम लोग, प्लस पे क्लिक सिंपली। बट यहाँ पे क्या करना है, ये ऐसे नहीं रहेगा, इसको छोटा करते हैं पहले, इसको पहले एक बार पे रखते हैं, इसको खींच के आगे लाएंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ से मेलोडी शुरू करना है। फोर टाइम्स पे देख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ओके तो हम लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, सेकेंड टाइम से, आई मीन थर्ड टाइम से, ये थर्ड। तो इस तरीके से ऐसे लगा दो, देन अब सुनते हैं। नहीं नहीं हुआ, अब मैं इसे फिर डिलीट करूँगा। देखो कैसे वायरल कराया जाता है गाने को, कुछ भी लगा देने से नहीं होता है, है ना। अब मैं इसे फिर कुछ यहाँ कुछ और डालूँगा, हो सके तो मैं पहले ड्रम्स ही डाल देता हूँ, बैंडलैब साउंड्स में जाऊँगा। देन मैं यहाँ पे कोई बीट ऐड करूँगा बॉलीवुड का, लेट्स सी क्या ऐड किया जाए। तो सेम मेरे को ये सैम्पल बहुत पसंद आ गया है, तो मैं ढोल लूप्स देखता हूँ। नहीं ये चलेगा, इसको ले लेते हैं। ओके देखो ये यहाँ से आ गया जहाँ पे मैंने इसे रखा था, अब इसे छोटा कर देते हैं। अंडू कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ओके इसको छोटा कर दिया जाए जहाँ तक है ये, एक बार सुन लेते हैं कैसा लग रहा है, पंजाबी वाइब आना चाहिए। डैट्स गुड, लेकिन अभी और थोड़ा सा इसमें कोई बीट वीट डालते हैं ताकि ये तगड़ा लगे। और वी कैन डू वन थिंग मोर कि इसे हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे पहले यहाँ पे, लेकिन बीट डाल देते हैं कोई, बहुत खाली खाली लग रहा है ये, तो बट ड्रम्स है ना। तो हम लोग सबसे पहले किक डालेंगे, प्लस में जाएंगे, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जाएंगे, ड्रम पैड में इसी टाइप का मिलेगा अपने को, ढूंढते हैं यहाँ पे डांस के लिए क्या क्लासिक, ये देखो मिल गया EDM, ये वाला EDM मस्त रहेगा ये, बस इतना ही करना है। ओके इसको कट कर देते हैं, देन लेट्स सी कहाँ ये बन गया, जाके यहाँ बन गया है। अब इसको उठा के आगे ले आते हैं ढोल के साथ अपने। ओके सुनते हैं, बहुत मस्त आ रहा है। इसको रिपीट कर देते हैं 4 times एंड ढोल की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर देंगे, आई थिंक ये ढोल, अब सुन के देखते हैं। इसको और प्यारा बनाना चाहते हो तो डबल क्लिक करो, और हाई हैट्स जो होता है अपना ये, इसको इस तरीके से, दैट्स इट। अब सुन के देखो, ओके दैट्स गुड, बहुत सुंदर। अब हम लोग ये काम करते हैं, बेस ऐड करते हैं, प्लस में जाते हैं, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। ओके अब यहाँ पे बेस ऐड कर देते हैं, तो लेट्स सी ड्रम पैड्स ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं बेस, इलेक्ट्रिक बेस, मस्त एक नंबर, इसी के हिसाब से मिल गया ये। अब यहाँ पे जाते हैं और हम लोग कुछ बनाते हैं, ये हो क्यों नहीं रहा है। ओके यहाँ से तो हमें पता है कि ये कौन सा स्केल है, हमें अच्छे से पता है कि कौन सा स्केल है, तो फिर ये है डी माइनर, तो सीधा डी माइनर पे डी पे रख दो, डी इस तरीके से, फिर उसके बाद या तो ऐसा भी कर सकते हो, एक ऐसे ऐसे, एक को छोड़े एक को लगाए,
ओके एक बार सुन लेते हैं फिर से हम लोग, कन्फ्यूज मत होना। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके तो अब क्या करना है, वापस इसमें गए बेस में, देन यहाँ पे ऐड कर देते हैं बेस सिंपल सा, इसको डी पे नीचे 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 डी, फिर उसके बाद लगा देते हैं सी, फिर लगा देते हैं हम लोग फिर से डी, या फिर डी यहाँ पे कर देते हैं, और डी के बाद सी लग सकता है, और बी ए शार्प पे लगेगा। नॉट बैड, बट इसको और सिंपल बनाते हैं, इसको सबको पकड़ेंगे साथ में और छोटा कर देंगे, और एक स्टेप यहाँ घिसका देंगे, आप सुनते हैं मस्त, एक नंबर। एक बार और घिसका के देखते हैं, अब सुन के देखते हैं, एक नंबर, बहुत बवाल बहुत बवाल। इसको भी 4 times कर देते हैं, देन प्लस करेंगे, और फिर से हम लोग ऐड करेंगे इसमें क्लैप, तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, और फिर से कोई ड्रम किट ले लेते हैं, ड्रम किट और ड्रम पैड भी ले सकते हैं, सेम क्लैप ढूंढते हैं, नहीं मज़ेदार नहीं है क्लैप, कोई और क्लैप ले लेते हैं, यहाँ पे आते प्लस का साइन, अगेन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे ऐड करते ड्रम पैड, एंड EDM में जाएंगे जो हम लोग बना रहे थे, और क्लैप लेते हैं, मस्त ये चलेगा। अब यहाँ पे आए वापस, इस पर क्लिक किए, पियानो रोल में आए, और क्लैप को कैसे रखना है, तो कि कैसे रखते हो आप, 1 2, तो इसमें क्या करना है, 1 यहाँ रखना और 2 यहाँ, क्लैप यहाँ आएगा इस जगह पे, देखो इस जगह पे, मतलब एक पे किक एक पे क्लैप, फिर एक छोड़ देना पूरा बार्स, फिर एक यहाँ रख देना। ओके अब सुन के देखो कितना तगड़ा वाइब आएगा, एकदम पूरा पंजाबी वाइब है, मस्त। एक बार फिर सुनते हैं, दैट शिट। इस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हो हिट होने वाला गाना, तो गाना होता है इस तरीके से तैयार, एक्चुअल गाना जो कि हिट हो सके। तो अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो भी मैं कुछ इसी तरीके का लाऊं, ताकि आप लोग का करियर और बूस्ट हो सके, हिट हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और मेरे को आप मैसेज भी कर सकते हो अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।